मौसम से जुड़ी खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज अपन बात करेंगे 14 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच कहां-कहां बारिश होने वाली है, कहां तूफान आएगा, कहां ओले गिरेंगे, इन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मौसम से जुड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आपका साथी सियाराम विष्णोई, देख रहे फार्मर ब्रांड चैनल। आज हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों पर तथा देश भर में कैसा रहेगा मौसम, देश के किन किन राज्यों में होगी बरसात, कहां कहां गिरेंगे ओले तथा बरसात के साथ क्या तूफान भी हो सकता है, इन सभी तथ्यों पर विस्तार से बताएंगे खबर। से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के पास ही घंटी का बटन दिया है जिसे नोटिफिकेशन के लिए आप दबा दीजिए। 14 अप्रैल को देश के किन किन राज्यों में बरसात होने की संभावना है, इन पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व दक्षिणी भारत के केरल में हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। ये बरसात 14 अप्रैल को होने की संभावना है। इसके बाद में 15 अप्रैल को इन्हीं राज्यों में बरसात होने की संभावना है। इसके बाद 16 व 17 अप्रैल को कहां कहां बरसात होगी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 16 और 17 अप्रैल को देश के उत्तरी छोर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मध्यम से अच्छी बारिश होने का अनुमान है। देश के पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है और यहाँ पर बरसात के साथ ओले भी गिर सकते हैं। अब बात करते हैं देश के दक्षिण छोर पर। भारत के दक्षिण छोर में जो भी राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। यहाँ इन चार राज्यों में थोड़ी हल्की बारिश रहेगी, ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन मध्यम तक बारिश होने के अनुमान है। कहीं कहीं गरज के साथ ओले भी गिर सकते हैं। और अब बात करते हैं देश के पश्चिमी छोर, जो देश के जो पश्चिमी राज्य है वहां कैसा मानसून मौसम रहेगा उनके बारे में अपन बात करते हैं। इन इलाकों में जो राजस्थान आता है, विशेषकर राजस्थान के कुछ जिले हैं, उन्हीं जिलों में निर्धारित है कि वहां बरसात होगी। जो जैसलमेर, जोधपुर के फलोदी और बाप, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाईमाधोपुर, इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है और यहाँ गरज के साथ ओले भी गिर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन देश के मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत के मध्य प्रदेश में भी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इन सभी राज्यों में गरज के साथ बहुत सारे हो सकती हैं। 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ओले गिरेंगे, कहीं गरज के साथ बहुत सारे होगी, लेकिन ये 14 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच बरसात होने का अनुमान है। तूफान की बिल्कुल संभावना कम है। मैं आपको नक्शे के हिसाब से मैं दिखाऊंगा, बराबर आप देख सकते हो।
कहाँ कहाँ बरसात होने वाली है वो पूरा आप देखिए।